आ गया अपना बिटकॉइन का बॉक्स आखिरकार। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ईवे बिल सिस्टम, इसको पहले कट कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ बबल रैप है, अभी अंदर ही मेरे को दिख रहा है एक और बॉक्स। साइड में ये सपोर्टिंग के लिए लगे हुए हैं, इसको नीचे से और कट कर देता हूँ। वैसे ये अनबॉक्सिंग लग रही है इतनी इजी, लेकिन ये है नहीं। इसमें सच में बहुत सारा मतलब बॉक्स है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये। इसको निकालने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन क्या लगता है निकलेगा? नहीं निकल रहा है, और नीचे से करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं निकलेगा, तो कैमरामैन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलिए अपने कैमरामैन को बुलाते हैं। ये आ गया मेरा फ्रेंड। तो चलिए सबसे पहले तो थर्माकोल की लेयर निकल गई, बॉक्स को साइड में रख देते हैं। ये सब कबाड़ ऐसे ही फेंक देता हूँ, बाद में साफ करूँगा, नहीं तो मम्मी मारेगी। नेक्स्ट नाउ, सबसे पहले आगे अपना बॉक्स, फिर से अपनी एग्जैक्टो नाइफ खा लेते हैं, इसके बगल वाले सपोर्टर्स निकालते हैं। ओके, बॉक्स के अंदर बॉक्स। अब ये सपोर्टर्स हम लोग साइड में रख देते हैं पहले, फिर से बॉक्स। अब मेरे को इसमें थर्माकोल के पैकेजिंग लग रही है आई साइड्स में, टॉप में। चलो पहले इसको काट लेते हैं। चलो थर्माकोल की लेयर भी हट गई। अरे भाई साहब थक गया भाई। नेक्स्ट देख लो भाई कितना कचरा निकला अभी तक का, लेकिन केस नहीं दिख रहा है, और खतरनाक। अब चलो शायद इसके अंदर तो निकले, अभी भी बहुत भारी है बॉक्स ना। देख सकते हैं आप कैबिनेट ऐसा है, टेम्पर्ड ग्लास, टू साइड, डीप कूल, मैट्रिक्स 55V3। इसका ऊपर से बॉक्स कट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड का बॉक्स दिख रहा है। चलो बॉक्स भी आया, मतलब आपको देख सकते हैं, आपको कार्ड, आप जितने भी आपके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं पीसी में, आपके उनको बकायदा सारे बॉक्स भी मिलेंगे। तो ये है मेरा इनो 3D RTX 2060, ये ग्राफिक कार्ड का बॉक्स है, साइड रख देता हूँ। और क्या, ये मेरा बिल है, मैं इसको रख देता हूँ साइड। चलिए अभी ऊपर भी, अरे गजब, ऊपर भी थर्माकोल है भाई साहब। ये क्या है, ये है मेरा पावर सप्लाई का बॉक्स, एंटेक 650W मॉड्यूलर। तो ये मेरा मॉड्यूलर पावर सप्लाई, और देखते हैं इधर से तो बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, क्या लगा रखा है इधर। मेरे ख्याल से ये मदरबोर्ड का बॉक्स है। हाँ, तो ये मेरा मदरबोर्ड है, गीगाबाइट B450 गेमिंग एक्स, जो ARGB सपोर्ट करता है। चलो इसको भी रख देते हैं साइड में ना। अरे हाथ से, मैं हाथ में लग गई थी, थोड़ा खून आ रहा था, कोई नहीं। निकल रहा, थर्माकोल निकालने पड़ेंगे, मैं अपने दोस्त की हेल्प ले रहा हूँ। ओहो MS धोनी भाई साहब बाल देगी आप बंदे के। चलो नेक्स्ट, निकाल भाई थर्माकोल निकाल इसका इधर से।
बड़ी मुश्किल के बाद हम लोग फिर से ट्राई करते हुए अभी तक अपना कैबिनेट बाहर नहीं निकल पाया है। मैं अपने फ्रेंड की मदद ले रहा हूँ फिर से। एक बंदे की अनबॉक्सिंग तो नहीं है ये, इतना आसान नहीं है इसको निकालना। अब बस अब एक ही है कि इसको फाड़ना ही पड़ेगा अब साइड से, वरना तो निकलने से रहा। थर्माकोल भी बहुत टाइट पैक्ड है, मैं फाड़ देता हूँ उसको साइड से, यही चारा बचा हुआ है। चलो निकल जा अब तो। अपना पीसी आ गया बाहर। अरे नीचे भी कुछ रखा हुआ यार, नीचे बहुत सी चीजें हैं। अच्छा ओ भाई टी शर्ट, अरे गजब भाई साहब गजब। टी शर्ट भी मिली है मेरे को बिटकॉइन की तरफ से। गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, नाइस। ये जेस्चर बहुत बढ़िया था, देखते हैं जरा। मेरे से मेरा साइज तो नहीं लग रहा है ये, आई थिंक इट वॉज एक्सेल, या एक्सेल है ये। बिटकॉइन रोड द ड्रैगन, तो ये बिटकॉइन की अपनी टी शर्ट, ये रही आप। गजब नाइस। चलो ओहो नीचे और भी कुछ बॉक्स हैं। मेरे प्रोसेसर का बॉक्स दिख रहा है मेरे को, राइजन देख सकते हैं आप, राइजन 3। नाउ ये टीपी लिंक है मेरे वायरलेस राउटर का, ड्राइवर है जो कि सीडी में है, जो आजकल कोई यूज़ नहीं करता है मैं पर्सनली तो बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम लोग उसको नेट से डाउनलोड कर लेंगे। ये और भी लीफलेट्स हैं कुछ, मदरबोर्ड का भी ड्राइवर दिया है इन लोगों ने सीडी में, दुनिया में नेट से डाउनलोड कर लूँगा। वैसे अप टू डेट ही रहता है, इन लोग अप टू डेट करके देते हैं सब कुछ। और इनो 3D का ब्रूटल बाई नेचर ग्राफिक कार्ड। नाउ बॉक्स ख़त्म, चल बेटा साइड में हट जा, चल 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 ना आ जा बेटा। तो ये आ गया अपना कैबिनेट, अभी भी इसमें थर्माकोल लगे हैं, तो फिर से नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ये कैबिनेट, अभी भी कैबिनेट की अनबॉक्सिंग ख़त्म नहीं हुई है। ये पावर बटन है 3.0, 2.0, 2.0, और जो इशेंशियल माइक एंड हेडफोन रीसेट बटन। ये मैग्नेटिक फिल्टर है, ये अपना मैग्नेटिक फिल्टर आ गया। और इसके बाद इसको मैं लगा देता हूँ वापस। इसके बाद देखते हैं क्या है इसमें, ये पूरा टेम्पर्ड ग्लास का बना हुआ है आगे। ये भी ग्लास है, इसके अंदर भी मेरे को कुछ दिख रहा है। भाई साहब अंदर ही पैकेजिंग, ये मेरी SSD है NVMe Gen 3, रीड एंड राइट स्पीड ऑफ 3000 MB/s, यानी 3 Gbps पर सेकेंड की ट्रांसफर रेट। ये बुकलेट है मेरी मदरबोर्ड की, ये है मेरी बेस्ट पार्ट, मेरा फेवरेट कंपोनेंट इसका, ये है रैम टाइडेंट Z8GB। बूम क्या रैम भाई साहब, मस्त पड़ी मेरे को ये। ओहो भाई अंदर भी थर्माकोल, इन लोगों ने कोई पार्टनरशिप कर रखी है क्या थर्माकोल वालों से? भाई साहब क्या थर्मो, इतने सारे थर्माकोल, एक एक पीसेस। ओ भाई कितना टाइम लगा होगा यार इन लोगों को डालने में सब थर्माकोल जगह जगह में। चलिए अंदर देखते हैं, आ जाओ इधर कैमरामैन। तो ये मेरा है ग्राफिक कार्ड इनो 3D G4 RTX। तो ये इसका कनेक्टर लगा हुआ 8GB। ये है मेरा एंटेका ARGB प्रिज्म फैन, और ये है पावर कॉर्ड, इसके अंदर रखिए पावर कॉर्ड ही है, मेरे को पता है पावर कॉर्ड ही होगी उससे मैं फील कर सकता हूँ। और ये है मेरा टीपी लिंक का वायरलेस 300 Mbps राउटर, जो मैं वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए मेरे को यूज़ होगा, 3 ईयर्स की वारंटी है इसमें। और कुछ और थर्माकोल्स निकल जा।
तो ये मेरे फैंस हैं, तो देखे वाइट तो गजब है भाई, सेक्सी वाइट तो एक नंबर भाई। ये फैंस हैं, ये पूरा ARGB फैंस है, मतलब एड्रेसेबल RGB, जो नॉर्मल RGB होते हैं ये उससे एक स्टेप ऊपर है, जो टॉप ऑफ द लाइन है अभी, अभी की RGB के ये टॉप ऑफ द लाइन है, इनसे ऊपर अभी कुछ नहीं आता। नेक्स्ट, चलो भाई हो गया।